बेस्ट फोन अंडर 30,000। देखो सिंपल चीज है कि 30,000 के बजट में हमने जब भी नया फोन बाय करना है ना, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले चीज कि फोन का प्रोसेसर एकदम ही फ्लैगशिप लेवल का होना चाहिए, ताकि आपकी जो डेली परफॉर्मेंस है ना वो सेक्रीफाइस ना हो। अगर आपने गेमिंग करनी है तो वो भी आप कर सको, एंड बढ़िया प्रोसेसर के साथ ही कैमरा तो हमें एकदम ही बढ़िया चाहिए। OS के सपोर्ट के साथ कैमरा मिल जाए तो काफी बढ़िया। लंबी बैटरी लाइफ होनी चाहिए, यानी कि सिंगल चार्ज पे एटलीस्ट आप एक दिन तो उसे यूज कर सको। एंड आज के इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ 5 फोन कवर किए हैं जिनके अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। चाहे आपने गेमिंग करनी हो, चाहे आपको डेली डे टू डे टास्क के लिए एक बढ़िया सा स्टॉक वाला फोन चाहिए, और या फिर आपको एकदम ही बढ़िया सी फोटोज एंड वीडियोस चाहिए। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स चेक आउट द बेस्ट फोन अंडर 30,000 रुपीस। तो सबसे पहला फोन है Nothing Phone 1। डिजाइन वाइज ये फोन टोटली डिफरेंट है, कोई भी ऐसा फोन नहीं है इस पीरियड के अंदर जिसका डिजाइन इसके रिजेम्बलेंस में भी हो। काफी बढ़िया प्रोसेसर दिया गया, गेमिंग भी कर सकते हो इसके ऊपर। सबसे पहले डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, 6.55 इंचेस की फुल एचडी प्लस ओलेड 10 बिट डिस्प्ले, 2400x1080 पिक्सल्स, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेशर दिया गया। ग्लास फ्रंट मिल जाती है हमें, गोरिल्ला ग्लास 5G प्रोटेक्शन के साथ। पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स की है, TSR 240 हर्ट्ज का, 1 बिलियन कलर्स, एशिया 10 प्लस दिया गया। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस प्रोसेसर दिया गया। अंतुतु स्कोर की बात करें तो 6 लाख के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर है इस पीरियड का, आप इसके ऊपर गेमिंग कर सकते हो। 8GB 128GB स्टोरेज, बैक साइड पे दिया गया डुअल कैमरा सेटअप। बट ये जो दोनों कैमरा है ना वो डुअल ट्रिपल फंक्शन कैमरा है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सोनी का IMX766 OIS सपोर्टेड, एंड 50 मेगापिक्सल का सैमसंग GN1 विच ऑल्सो डबल्स अप एज मैक्रो कैमरा। एंड लेफ्ट कंसोल में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया सोनी IMX471। मेन कैमरा से हम 4K 30fps रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 1080p 30 and 60fps रिकॉर्डिंग हो जाती है, एंड इसका जो सेल्फी कैमरा है उसे 1080p 30fps रिकॉर्डिंग हो जाती है। डुअल सिम स्लॉट है, 5G के 12 बैंड्स की सपोर्ट मिल जाती है हमें, 4500mAh की बैटरी कैपेसिटी है, USB टाइप सी, 33 वॉट की चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। फ्रॉम 0 to 50% इसकी जो बैटरी वो सिर्फ आधे घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है। Nothing OS मिलेगा हमें बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12। अडेप्टर हमें फोन के साथ ही दिया गया, 100% रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम फ्रेम, IP53 रेटिंग, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, एंड 3 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट और 4 साल की सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाएगी आपको। एंड इतना बढ़िया फोन आपको सिर्फ 29,000 के प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा। देखो बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, टोटली यूनिक फोन है, आपने इसे जरूर कंसीडर करना है। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगला फोन है गूगल का, गूगल पिक्सल 6। इस फोन को बाय करने के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं कि सबसे पहली चीज है कि ये स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन है, मतलब कि एंड्रॉइड की जो सबसे पहली अपडेट्स हैं वो आपको इसी फोन में मिलती हैं। एकदम ही क्लीन UI वाला फोन है, कोई भी फालतू की आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस इस फोन के अंदर नहीं मिलने वाली, जिससे इसका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा बढ़िया हो जाता है। 6.14 इंचेस की फुल एचडी प्लस ओलेड डिस्प्ले मिल जाती है, सेंटर पंचोल वाली, 2400x1080 पिक्सल्स है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेशर दिया गया, गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ ही HDR की सपोर्ट मिल जाती है। गूगल टेंसर 5 NM बेस्ड प्रोसेसर है, अंतुतु स्कोर की बात करें तो 7 लाख के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। 6GB 128GB स्टोरेज, डुअल कैमरा सेटअप है, इसका जो मेन कैमरा है वो 12.2 मेगापिक्सल का है, प्लस इसी के साथ ही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया, एंड इसका जो फ्रंट सेल्फी कैमरा दैट इज ऑफ 8 मेगापिक्सल। देखो कैमरा के सिनेरियो में ना ये फोन टोटली बेस्ट है इस पीरियड का, सबसे बढ़िया कैमरा आपको इस फोन के अंदर मिल जाता है, टोटली बेस्ट फोटोज एंड वीडियोग्राफी आप इसके ऊपर कर सकते हो। मेन कैमरा से 4K 30 and 60fps हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेल्फी कैमरा से 1080p 30fps। सिंगल सिम कार्ड प्लस eSIM 5G के 19 बैंड्स की सपोर्ट मिल जाती है। इसी पीरियड में आपको दूसरा कोई भी फोन नहीं ऐसा मिलने वाला जिसके अंदर आपको 5G के टोटल 19 बैंड्स की सपोर्ट मिल रही हो। 4410mAh की बैटरी कैपेसिटी है, USB टाइप C2C, 18 वॉट की चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, एंड्रॉइड 12 दिया गया आउट ऑफ द बॉक्स। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, मेटल फ्रेम है, बैक प्लास्टिक की है, सेकेंडरी माइक फॉर नॉइस कैंसलेशन, मैजिक इरेजर फीचर, IP67 रेटिंग के साथ ही नो ब्लॉटवेयर्स, एंड 5 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाती है, एंड इसका भी जो करंट प्राइस है दैट इज ओनली 29,000 रुपीस। तो आपने इसे भी जरूर कंसिडर करना है। अगला फोन है मोटोरोला का, मोटोरोला एज 30 प्रो। देखो ये फोन है ना इस पीरियड का मोटोरोला का सबसे बढ़िया फोन है। इसके अंदर भी आपको बिल्कुल ही स्टॉक एंड्रॉइड जैसी फीलिंग आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको एकदम ही क्लीन UI मिल जाएगा, एंड कोई भी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आपको इस फोन के अंदर नहीं मिलती। 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस एमोलेड 10 बिट डिस्प्ले, सेंटर पंचोल वाली, 2400x1080 पिक्सल है, फ्रंट साइड पे हमें 2.5D गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, बैक साइड पे 3D गोरिल्ला ग्लास 5 की, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेशर दिया गया, 700 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, 576 हर्ट्ज का TSR, DCI-P3 कलर स्पेस, एशिया 10 प्लस, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर दिया गया, 4 NM बेस। अंतुतु स्कोर की बात करें तो 9 लाख के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। काफी स्टेबल प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, गेमिंग इसके ऊपर आप इजीली कर सकते हो। 8GB प्लस 2GB वर्चुअल, 128GB UFS 3.1, ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया बैक साइड पे, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा OIS सपोर्टेड, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, एंड 60 मेगापिक्सल का क्वाड पिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया। नाउ द थिंग, इसका जो मेन कैमरा ना उससे हम 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 24 and 30fps, एंड दूसरा ऐसा कोई भी फोन है इस पीरियड के अंदर जो कि आपको अपने फोन के अंदर ना 8K
4K वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन दे। 4K 30 FPS रिकॉर्डिंग हो जाती है, फुल HD 30 एंड 60 FPS, सेल्फी कैमरा से 4K 30 FPS, 1080p 30 एंड 120 FPS। डुअल नैनो सिम में 5G के 13 बैंड्स की सपोर्ट मिल जाएगी आपको। 4800 mAh की बैटरी कैपेसिटी है। टाइप सी टू सी 68 वॉट की चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। फ्रॉम 0 टू 50% इसकी जो बैटरी है ना वो अराउंड 15 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। अडैप्टर आपको फोन के साथ ही दिया गया, एंड्रॉइड 12 मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। IP52 रेटिंग है, सेकेंडरी माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, 15 वॉट की वायरलेस एंड 5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी आपको। फास्ट स्क्रीन मिररिंग के साथ ही थिंक शील्ड सिक्योरिटी एंड इसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी दिया गया एंड इसका भी प्राइस अराउंड 30,000 रुपीज है। तो आपने स्मार्टफोन को भी जरूर कंसिडर करना है, काफी बढ़िया स्मार्टफोन है ये भी। नाउ दिस इज आईको नियो 7 5G फोन। देखो ये जो फोन है ना वो गेमिंग के सिनेरियो में टोटली बेस्ट है क्योंकि इसके ऊपर आप 90 FPS तक गेमिंग कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। आपको कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं मिलते एंड लंबे टाइम तक आप इसके ऊपर गेमिंग कर सकते हो। 6.78 इंचेस के फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाते हैं, 2400x1080 पिक्सल्स वाली, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 1200 हर्ट्ज का DSR है, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस, ग्लास फ्रंट है एशिया 10 प्लस के साथ, डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर है, 4nm बेस, अंतुतु स्कोर की बात करें तो 890,000 के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। काफी स्टेबल एंड इस बजट का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोसेसर है। 8GB 128GB स्टोरेज, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा OIS सपोर्टेड, 2 मेगापिक्सल का बोके एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, सेंटर कंसोल में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया। अब इसका जो मेन कैमरा ना उससे हम 4K 30 FPS रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 1080p 30 FPS रिकॉर्डिंग हो जाती है एंड इसका जो सेल्फी कैमरा है उससे भी 1080p 30 FPS हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। डुअल सिम स्लॉट 5G के 8 बैंड्स की आपको सपोर्ट मिल जाती है, 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी, USB टाइप सी टू सी, 120 वॉट की चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। फ्रॉम 0 टू 50% इसकी जो बैटरी है वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है एंड फ्रॉम 0 टू 100% इसकी जो बैटरी है वो 25 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। अडैप्टर आपको फोन के साथ ही मिल जाएगा तो ये भी काफी बड़ा प्लस पॉइंट है कि अडैप्टर हमें सेपरेटली बाय नहीं करना पड़ेगा। एंड्रॉइड 13 दिया गया आउट ऑफ द बॉक्स। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, मोशन कंट्रोल, 90 FPS तक आप गेमिंग कर सकते हो, सेकेंडरी माइक, 2 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट एंड 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट एंड इसका जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 30,000 रुपीज। नाउ दिस इज सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फोन। मेरे अकॉर्डिंग ये फोन इस बजट का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। 6.4 इंचेस के फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, बहुत ही प्रीमियम डिस्प्ले है एंड हम सभी को पता है कि जो सैमसंग के फोन की डिस्प्ले होती है ना वो मार्केट में सबसे बेस्ट होती है। 2400x1080 पिक्सल्स, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 240 हर्ट्ज का TSR, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है एशिया 10 की सपोर्ट के साथ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर है, अंतुतु स्कोर की बात करें तो 6.25 लाख के करीब इसका अंतुतु स्कोर है, 8GB 128GB स्टोरेज, बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया, 12 मेगापिक्सल का डुअल पिक्सल OIS सपोर्टेड, 8 मेगापिक्सल का OIS टेली कैमरा एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड इसका जो फ्रंट सेल्फी कैमरा दैट इज ऑफ 32 मेगापिक्सल एंड इसका जो मेन एंड फ्रंट कैमरा ना दोनों से हम 4K 30 एंड 60 FPS रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाती है, 5G के 9 बैंड्स की सपोर्ट मिल जाएगी आपको, 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, टाइप ए टू सी, 15 वॉट का चार्जर आपको फोन के साथ ही मिल जाता है बट ये फोन 25 वॉट तक की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अडैप्टर हमें साथ में दिया गया, एंड्रॉइड 12 मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स, प्लास्टिक बैक है, मेटल फ्रेम, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, IP68 रेटिंग, वायरलेस चार्जिंग के साथ ही रिवर्स चार्जिंग की भी सपोर्ट मिल जाती है आपको। 30,000 रुपए इसका करंट प्राइस है। मेरी तरफ से आप सभी के लिए ये फोन हाईली रिकमेंडेड, आपने स्मार्टफोन को जरूर कंसीडर करना है। देखो एक और चीज है कि अगर आप अपने बजट को अराउंड 35,000 तक पुश कर सकते हो ना तो जो सैमसंग का गैलेक्सी S21 FE 5G फोन है ना आप उसे कंसीडर कर सकते हो, वो भी फोन एकदम ही बढ़िया। बट अगर आपका बजट अराउंड 30,000 के आसपास है, गो विद सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फोन। सभी के बेस्ट पे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं एंड इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज से रिलेटेड तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। Don't forget to subscribe to our channel guys. Thanks for watching the video. Peace out.